अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ मेलचिम के अबाउट। मेलचिम क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप उस पर अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से आप लोग उस पर कंपेन सेटअप कर सकते हैं, और किस तरह से अपनी जो मेलचिम का अकाउंट है उसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, और किस तरह से आप मल्टीपल या बल्क के अंदर ईमेल सेंड कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स को ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेलचिम एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। बल्क ईमेल सेंडिंग से लेके ऑटोमेशन ईमेल सेंडिंग तक बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को ए टू जेड सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मज़ीद कुछ छोटी सी आउटलाइन भी मैंने बनाई है, तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसके अंदर आप ऑलमोस्ट कंप्लीट मेलचिम सीख जाएंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें कुछ आउटलाइंस मैंने क्रिएट किए हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से हम अकाउंट बना सकते हैं मेलचिम के ऊपर, किस तरह से उसके अंदर जो उसके डैशबोर्ड में जितने भी ऑप्शंस हैं उनका क्या क्या मतलब है, कौन सा ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है बहुत ही डिटेल में देखेंगे, ऑडियंसिस क्या होते हैं, किस तरह से क्रिएट की जाती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद किस तरह से आप लोग जो है फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं मेलचिम के और उनको अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ऑलरेडी फॉर्म है किसी थर्ड पार्टी प्लगइन से बने हुए उनको किस तरह से आप लोग मेलचिम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एपीआई को यूज़ करते हुए। फिर उसके बाद आप कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जो है आपने ईमेल किस तरह से डिज़ाइन करनी है, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से आप इस जो आपने ईमेल डिज़ाइन की है इस स्पेसिफिक कैंपेन के लिए उनको उनके लिए आप बल्क में वो ईमेल किस तरह से सेंड कर पाओगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग अकाउंट से। और यहाँ पे देखें सिंपल आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है मेलचिम। मेलचिम सर्च करने के बाद सिंपल आप लोगों को यहाँ फर्स्ट वाले लिंक पे चला जाना है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इस तरह का इंटरफेस नज़र आने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा साइन अप, और सिंपल आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे क्लिक कर देना है साइन अप पे। ओके, साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आप लोगों को डिफरेंट पैकेजेस नज़र आ जाएंगे, क्योंकि हम एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं और हमें कोई भी पेमेंट यहाँ पे स्पेंड नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे ये वाला फ्री वाला प्लान चूज़ करेंगे। अगर आपका क्लाइंट या आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को प्लान सजेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर ये देखें डिफरेंट फीचर्स मौजूद हैं कि आप मंथली कितने ईमेल सेंड कर सकते हैं कौन से प्लान के साथ, और कौन कौन सी चीज़ें आपको किस किस जो प्लान है उसके अंदर मिलेंगे, राइट। बट राइट नाउ हमारी रिक्वायरमेंट फ्री है, तो हम ये वाला फ्री वाला चूज़ कर लेते हैं। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट वाले पेज पे, और यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पासवर्ड वगैरह ऐड कर देता हूँ, यूज़र नेम। ओके, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद सिंपल मुझे क्या करना है यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है, और साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैप्चा फील्ड, तो आई गेस यहाँ पे मुझे कोई कैप्चा ऐड करना था। मैं अगेन क्या कर देता हूँ यहाँ पे अपना ईमेल ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे सारी डिटेल्स मैं दे चुका हूँ, इसको मैं चेक कर दूंगा और सिंपल मैं क्या कर लूँगा साइन अप पे क्लिक कर दूंगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद ये मुझसे कुछ बेसिक सी डिटेल्स मांगेगा। उन डिटेल्स के अंदर मैं बेसिक बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर दूंगा, मैं चाहूँ तो उन्हें स्किप भी कर सकता हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे ये कह रहा है कि अपनी ईमेल चेक करें, आपकी कन्फर्मेशन ईमेल आई होगी, और उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ईमेल आ चुकी है, ये वाली ईमेल है। हम सिंपल क्लिक करेंगे एक्टिवेट अकाउंट के ऊपर, और हमारा अकाउंट जो है मेलचिम का वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। तो
यहाँ पे देखें हमारा जो पूरा अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है और ये लोड हो रहा है, और इसके बाद ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, हमें सिंपल वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस तरह से पुट कर देता हूँ जो कि ऑलरेडी मेरे पास सेव है। यहाँ पे मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ और क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, क्या एरर शो कर रहा है यहाँ पे? ओके नाउ, ओके यहाँ पे देखें वो सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ और डिटेल्स डाल देता हूँ और सिंपल में क्या करता हूँ इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मैं इनको स्किप कर दूंगा। आप चाहें तो इनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, बट मुझे ये सिलेक्ट नहीं करनी, इस वजह से मैं क्या करता हूँ इनको स्किप कर दूंगा और जल्दी जल्दी हम अपने मेन ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ओके, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। अगेन अगेन स्किप, और यहाँ पे अगेन हमसे ये प्लान पूछेगा तो हमने अगेन फ्री वाला ये सिलेक्ट कर देना है। फ्री वाला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ये हमारा अकाउंट है प्रिपेयर कर रहा है और जो सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेटिंग हो रही है हमारे अकाउंट की, और उसके बाद हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा हमारे अकाउंट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्रेश न्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, कुछ यहाँ पे ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, राइट। इसको मैं ज़रा क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो हमने पहली चीज़ यहाँ पे देख ली कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अब सेकंड चीज़ देखते हैं हम कि डैशबोर्ड का ओवरव्यू, कि इन ऑप्शंस का क्या मतलब है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखें अगर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे आपको, प्रोफाइल के अंदर जो चीज़ें या चेंज करनी है या बाकी चीज़ें वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं एक्चुअली में, और यहाँ पे अपना अकाउंट्स एंड बिलिंग्स देख सकते हैं अगर आपने अपग्रेडेड अकाउंट लिया हुआ है। प्राइसिंग प्लान्स यहाँ से देख के फिर वहाँ से डायरेक्टली अपग्रेड कर सकते हैं अपना अकाउंट। हायर एन एक्सपर्ट, इनकी तरफ से कोई शख्स आप हायर करना चाह रहे हैं तो वो आप हायर कर सकते हैं, बट ये आपके काम का नहीं है क्योंकि आप खुद प्रोफेशनल हैं, आप खुद सीख रहे हैं मेलचिंप किस तरह से यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे सर्च आइकन है, यहाँ पे आप कुछ भी स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर से। और उसके साथ साथ हमारे पास ये लेफ्ट साइड वाले अकाउंट है, सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे है क्रिएट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी कैंपेन जो है वो क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ से भी सेम ही ऑप्शन आपको नज़र आएगा, आपकी अपनी कैंपेन्स को आप देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, सारी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेशन, यहाँ पे आप अपनी ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं जिस तरह से आप चाह रहे हो कि अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ इस मेलचिम को कनेक्ट करें। अगर कोई बंदा शॉपिफाई से कोई ऑर्डर परचेज करे या कोई प्रोडक्ट परचेज करे तो उसकी तरफ ईमेल चली जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, आपको सेंड ना करनी पड़े। इस तरह के डिफरेंट ट्रिगर्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं ऑटोमेशन के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ऑडियंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी ईमेल लिस्ट के अंदर कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लोगों ने आपकी ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब की हुई है, और सारे लोगों की ईमेल और सारा डाटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ऑल कॉन्टैक्ट्स फॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे इनबॉक्स वगैरह, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को आपने ईमेल सेंड की है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया और बाकी सारे एनालिटिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। उसके बाद रिपोर्ट्स है, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है वेबसाइट का। तो यहाँ पे आप एक बेसिक सी वेबसाइट भी मेलचिंप के अंदर से ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है तो इनके सब डोमेन से आप बेसिक सी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंटेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने कंटेंट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा की तरह, बट इतना एडवांस नहीं है, बहुत ही बेसिक सा टूल है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रेशंस, कि हम अपने मेलचिंप को डिफरेंट प्लेटफॉर्म से किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, वर्डप्रेस से, शॉपिफाई से, स्क्वेयरस्पेस से, विक्स है, या आउट देयर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, क्विक बुक से, जेट फॉर्म। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आप अपने जो है इस मेलचिंप के अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाए, वहाँ पे कोई ईमेल सबमिट करे तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट के अंदर आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप
कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो आई होप आपको बेसिक सा इंटरफेस जो है वो समझ आ चुका होगा। तो हमारे पास अब अगला टॉपिक है ऑडियंसेस। तो हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे हम आते हैं ऑडियंस डैशबोर्ड, और यहाँ पे देखें आप लोगों को तमाम ऑडियंस आप देख सकेंगे, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी ईमेल लिस्ट के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे ये शो करवा देगा, और यहाँ पे हम कोई भी कॉन्टैक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट को ऐड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारे टास्क जो है वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मैंने इस अकाउंट से ईमेल बनाया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मैं खुद ही एज अ सब्सक्राइबर बन गया एक लिस्ट का। तो अब जैसे जैसे लोग और ऐड होते जाएंगे तो वो यहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स आपको शो होती जाएंगी, और यहाँ पे आप उनको डिफरेंट तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं कंप्लीट ऑडियंस को, और यहाँ पे आपकी उस पूरे सब्सक्राइबर की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी कि कब उसने सब्सक्राइब किया और सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी, राइट। और इसके अलावा यहाँ पे आप सेटिंग्स भी कर सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स को सेटअप कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, तो इस पे अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे इस वीडियो पे, तो इंशाल्लाह मैं इन एडवांस चीज़ों को भी मज़ीद डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगा और वन बाय वन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी ऑडियंसेस। तो अब हम चलते हैं ज़रा फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ से एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर सेटअप करेंगे। फिर वेबसाइट के ऊपर उस फॉर्म को यूज़ करते हुए अगर कोई भी यूज़र अपना ईमेल लिस्ट डालेगा, ईमेल एंटर करके सबमिट करेगा, तो वो डायरेक्टली हमारे मेलशिप के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो ये सारा काम हम किस तरह से करेंगे, तो चलें चल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखें साइन अप फॉर्म्स, तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑडियंसेस के अंदर, और यहाँ पे देखें आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फॉर्म बिल्डर, जो कि एक बेसिक सा फॉर्म बिल्डर है, आप किसी भी तरह का फॉर्म इसको यूज़ करते हुए बना सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये प्रीसेट ऑटोमेटिकली बने हुए हैं, तो हम इनमें से कोई चूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम चूज़ कर लेते हैं एम्बेड फॉर्म। यहाँ पे देखें सब्सक्राइबर पॉपअप भी है, जिसको आप क्रिएट करेंगे और अपनी वेबसाइट में उसका कोड ऐड करेंगे, तो जब भी कोई ऑडियंस कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसको पॉपअप नज़र आएगा और वो उसके ऊपर अपनी ईमेल एंटर कर सकेगा, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगी। राइट नाउ हम चूज़ कर लेते हैं, एक डेमो के लिए आपको दिखा देता हूँ कि एम्बेड फॉर्म किस तरह से क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पर सेटअप करना है और किस तरह से फिर उसको यूज़ करना है और किस तरह से वो काम करेगा। तो सिंपल मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे एम्बेड फॉर्म के ऊपर, सेलेक्ट के ऊपर, और ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा इस फॉर्म बिल्डर के ऊपर। यहाँ पे मैं इस फॉर्म के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकाल भी सकता हूँ, इस फॉर्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी कर सकता हूँ। अभी करंटली देखें सिर्फ इसके अंदर एक फील्ड है, और यहाँ पे देखें अगर मैं इस पर क्लिक करूँ फॉर्म फील्ड्स, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट फील्ड्स हैं, इनको मैं ऑन भी कर सकता हूँ, राइट, और इनको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, जिस तरह से भी मैं चाहूँ, जो जो भी ऑप्शंस जो हैं वो मैं शो करवाना चाहूँ वो यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ ही अगर मैं यहाँ पे कोई और फील्ड ऐड करना चाहूँ इनके अलावा, पहले तो यहाँ पे देखें इनको आप अरेंज भी कर सकते हैं, रीअरेंज, बट इनके अलावा अगर आप कोई और ऑप्शन ऐड करना है, कोई और फील्ड ऐड करनी है इस फॉर्म के अंदर, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखें आप लोगों को कंप्लीट जो है एक्सेस मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं अपने ईमेल के अंदर, सॉरी अपने इस फॉर्म के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये अगर लोड हो जाए थोड़ा सा, यहाँ पे देखें आपको सामने काफ़ी सारी फील्ड्स शो हो रही हैं। यहाँ पे आप जितनी चाहे फील्ड्स वो है वो ऐड कर सकते हैं, बट राइट ना मुझे बस एक ईमेल वाला ही फील्ड चाहिए, तो मैंने बाकी सबको ऑफ कर दिया और इसको यहीं पे रहने दिया। इसको यहाँ पे रहने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखें ये हमें एक एम्बेड फॉर्म देगा, सिंपल हमें इस एम्बेड फॉर्म को कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है। अब वो हम किस तरह से लगाएंगे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास अपनी वेबसाइट जो है वो ओपन है। मैं इसको एलिमेंटर से एडिट कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं एलिमेंटर को ऑन करके, अब जिस तरह यहाँ पे देखें मैं आपको समझाने के लिए इस सेक्शन को डुप्लीकेट करता हूँ, इसके अंदर क्या कर देता हूँ, इस फॉर्म की जगह जो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है एक ये वाला फॉर्म मेलचिम वाला यूज़ करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कोड कर देता हूँ यहाँ पे HTML वाला फॉर्म यहाँ पे लेके, और क्या कर देता हूँ इसके अंदर मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ जो हमने मेलचिम से कॉपी किया था। तो सिंपल मैं यहाँ पे पेस्ट करती है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास
ये फॉर्म जो है इस तरह से शो हो गया, राइट। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद हमारे पास क्या, हम इस वेबसाइट को इसको देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सिंपल मैंने यहाँ से इसको अपडेट कर लिया। अपडेट करने के बाद मैं इस वेबसाइट को दोबारा रीलोड करूँगा। रीलोड करने के बाद अब यहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस दिया नहीं है। आप एक वेब डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं या बन रहे हैं, तो आप उसको डिज़ाइन जो है खुद अच्छे तरीके से कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमारे इसको लोड हो लेने दे ज़रा प्रॉपरली। ओके, तो ये हमारे पास लोड हो चुका है। अब इसके अंदर अगर कोई भी यूज़र आएगा और अपना ईमेल सेटअप करेगा या ईमेल एंटर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली मेलचिन के अंदर शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स सपोज एहसान दानिश एट gmail.com, लेट्स से मैंने ये एंटर किया। एंटर करने के बाद सिंपल सब्सक्राइब पे क्लिक करूँगा तो ये वाला ईमेल थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग ऑटोमेटिकली मेरे मेलचिन की अकाउंट के अंदर पुल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ वापस अपने मेलचिन के अकाउंट के होम पे जाऊं और यहाँ पे ऑडियंसिस में जाऊं और ऑल कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाऊं, यहाँ पे देखें जो ईमेल वहाँ पे किसी भी यूज़र ने एंटर किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर इस तरह से आपकी लिस्ट बनती जाएगी और इनको आप यहीं मेलचिन से ही आप बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं। वो आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से कैंपेन सेटअप करनी है। यहाँ पे देखें जो ईमेल वहाँ पे इनपुट हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया और इसने ये भी बता दिया कि कौन से फॉर्म से आया, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अब ये तो यहाँ पे एक ऑप्शन था, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। इसके अलावा आप कहीं पे भी, लेट्स सपोज आप किसी पोस्ट के अंदर इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल पोस्ट को एडिट करना है, उसके अंदर कोड डालना है और जहाँ पर भी आप इन शॉर्ट के इसको शो करवाना चाहें इस फॉर्म को, तो सिंपल आपने ये शॉर्ट कोड या ये एम्बेड कोड वहाँ पे कॉपी कर देना है। तो लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ पे ये जो फॉर्म है वो चाहिए, तो मैं अपनी ये पोस्ट एडिट करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक ईमेल सॉरी एक एम्बेड कोड जो मैंने कॉपी किया है अपने मेल चिन से वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे भी वो शो हो जाएगा। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये जो पोस्ट है वो मैंने एडिट किया है और यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से कंटेंट शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब वो कोड जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे देखें ये कोड पेस्ट हो गया। अब जब भी मैं इसको सेव करूँगा तो ये जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली इस पोस्ट के अंदर इस तरह से शो हो जाएगा। बट राइट नाउ मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करता और इसको वापस वैसे ही अपडेट कर देता हूँ। आई होप यू गेट द आइडिया। तो ये तो हो गई बात यहाँ तक कि हमने यहाँ तक सीख लिया कि किस तरह से अपना अकाउंट मेलचिन का क्रिएट करना है, किस तरह से डैशबोर्ड का ओवरव्यू में जो ऑप्शंस हैं उनका क्या मतलब है, ऑडियंसेस क्या होती हैं, किस तरह से वो काम कर रही होती हैं, और मैंने आप लोगों को दिखा दिया किस तरह से आप फॉर्म क्रिएट करके अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और केस आ जाता है कि लेट्स से हमारी वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी एक फॉर्म है जो आपने किसी प्लगइन से बनाया होगा या फिर एलिमेंटर से बनाया होगा वो फॉर्म, तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे मेलचिन के साथ। तो बेसिकली मेलचिन एक API प्रोवाइड करता है, उस API को वहाँ पे उस प्लगइन के अंदर या जहाँ पे भी वो फॉर्म होता है जो कि थर्ड पार्टी फॉर्म है उसके अंदर ऐड करना होता है। जब भी कोई बंदा कोई शख्स उस फॉर्म के अंदर ईमेल इनपुट करेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब ये काम किस तरह से करेंगे, उसके लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला मेरा फॉर्म था जो कि मैंने ऑटोमेटिकली पहले ही क्रिएट किया हुआ था एलिमेंटर से, ऑब्वियसली ये थर्ड पार्टी है, तो मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को मेलचिन के साथ। तो मैंने इसको एडिट किया और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है एक्शंस आफ्टर सबमिट। तो आप जो भी प्लगइन यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस तरह का कुछ भी कि मेलचिन के साथ कनेक्ट करना है या इंटीग्रेशन करनी है, इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बट मेरे केस के अंदर यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन मिला, तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई भी सबमिट करे तो वो ईमेल किधर चली जाए, मेलचिन के अंदर चली जाए। तो मैंने मेलचिन सेलेक्ट कर लिया। अब इस फॉर्म को किस तरह से पता चलेगा कि कौन से मेलचिन के अकाउंट के अंदर कौन सी ऑडियंस के अंदर जाना चाहिए ये वाला ईमेल, तो जैसे ही मैंने मेलचिन सेलेक्ट किया यहाँ पे देखें ऑप्शन भी एक और ऐड हो गया मेलचिन का। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कि अगर आपने इंटीग्रेशन के अंदर पहले ही मेलचिन सेटअप किया हुआ है तो वो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट चूज़ कर लें, अदरवाइज कस्टम API यूज़ कर लें। तो मैं कस्टम API यूज़ कर लेता हूँ। सो सिंपल मैं क्लिक करता हूँ कस्टम और यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे API यूज़ करें और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑडियंस आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये API कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके प्रोफाइल के अंदर क्लिक करना पड़ेगा
और प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन शो होंगे जहां से हमें अपनी एपीआई जनरेट करनी है, और वो हमें यहां पे ऐड करनी पड़ेगी, सॉरी यहां पे ऐड करनी पड़ेगी। और यहां पे देखें, हमारे पास ये हो गया, एक्स्ट्रास के अंदर जाएंगे, एपीआई कीज के अंदर जाएंगे, और यहां पे हमें एक्चुअल में ऑप्शन मिल जाएगा कि एपीआई क्रिएट करनी है आपने। क्रिएट करने का कोई इतना हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह के ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, योर एपीआई कीज, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं क्रिएट एपीआई, और ये मुझे ले जाएगा इधर। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ को नाम दे देता हूँ ताकि मुझे रिमेम्बर रहे कि ये वाली एपीआई मैंने इस जगह पे यूज की थी। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम ही दे देता हूँ कि मैंने ये वाली एपीआई इस वेबसाइट के ऊपर यूज किया। आप कहीं पे भी कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जनरेट, जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये हमें एक की दे देता है, तो मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी एपीआई पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने एपीआई पेस्ट की, और यहाँ पे ये हमें कहेगा कि अपने ऑडियंस सेलेक्ट करें, ये वाली ऑडियंस मैंने सेलेक्ट की थी, क्रिएट की थी एक्चुअल में, ये ऑटोमेटिकली मेरे नाम की वजह से ये क्रिएट हो गई मेरी ऑडियंसिस में। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि ये ऑडियंस सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद सिंपल यहाँ पे देखें ये ऑप्शन कह रहा है कि फील्ड मैपिंग। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही फील्ड है ईमेल वाली, तो मैंने कहा कि फील्ड वाला ईमेल के अंदर जाए, और इस तरह से अगर और फील्ड्स होती तो आप उनको यहाँ से मैप कर सकते थे, बट यहाँ पे मैंने ईमेल का ही किया। और सिंपल इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ पे अब मैं इसको ज़रा टेस्ट करता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और सही तरीके से। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं एक और ईमेल ऐड करके देखूँगा कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तौसीक हैदर @gmail.com। जब से मैंने यहाँ पे एक डमी सा ईमेल ऐड किया, सबमिट एज अ यूज़र किसी ने सबमिट किया, तो यहाँ पे देखें योर फॉर्म वाज सेंड सक्सेसफुली। अब मैं देखता हूँ कि ये वाली ईमेल क्या मेलचिंप में चली गई है। अगर चली गई तो इसका मतलब इस वाले फॉर्म और मेलचिंप का कनेक्शन सक्सेसफुली सेटअप हो चुका था। तो मैं आता हूँ वापस और यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट्स के अंदर अगेन जाता हूँ, और देखता हूँ कि जो ईमेल एज अ यूज़र मैंने वहाँ पे ऐड की थी वो क्या मेलचिंप के अंदर आई है या नहीं आई। तो यहाँ पे देखिए वो ईमेल यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर वो सेटअप कर सकते हैं इस मेलचिंप को, और जो भी वहाँ पे ईमेल ऐड करेगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। अब ये ईमेल्स हमें क्यों कलेक्ट करनी है, क्या फ़ायदा है इन ईमेल्स का? ऑब्वियसली जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी जो है सब्सक्राइब फॉर्म लगाते हो और लोग उसके अंदर आके अपनी ईमेल देते हैं, तो क्या होता है कि वो ईमेल्स आपके पास यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब आपके पास लेट्स सपोज 1000 ईमेल्स कलेक्ट हो चुके हैं। अब कल को अगर आपने कोई ऑफर लगानी है, कोई डिस्काउंट लगाना है अपने बिजनेस से रेलिवेंट, अपने सर्विस से रेलिवेंट, तो आप लोगों के पास एक टारगेटेड ऑडियंस होगी जो कि ऑलरेडी आपको जानती होगी। आप उनको यहाँ से वन क्लिक के अंदर ईमेल सेंड कर सकते हैं उन सबको, सिर्फ एक क्लिक में, बजाय इसके कि आपको वन बाय वन जीमेल पे उनको जाकर ईमेल करनी पड़े। और यहाँ पे इस सारी लिस्ट को आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हर वीक के बाद इनको ऑटोमेटिकली ईमेल, प्रमोशनल ईमेल चली जानी चाहिए। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली आप इसको मैनेज कर सकते हैं और अच्छे मार्केटिंग कर सकते हैं, एक ईमेल मार्केटिंग की पूरी कैंपेन यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। तो अब बारी आ जाती है कि ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली, यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पे कर ली, अब बारी आ जाती है कैंपेन्स की, कि हमारे पास अब ईमेल लिस्ट भी आ गई, हमने बना लिया, हमने सेटअप भी कर लिया फॉर्म, अभी सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब किया, हमारे पास ईमेल लिस्ट कलेक्ट होना शुरू हो गई। अब हमें इनको ईमेल सेंड करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सी काम ये है कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, कि यहाँ पे ऑल कैंपेन्स आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये हमें ले जाएगा कुछ इस तरह के ऑप्शन पे। यहाँ पे आप ऑटोमेशन की तरह की कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, लैंडिंग पेज बना सकते हैं, रेगुलर ईमेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेगुलर ईमेल ही सिलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे क्लिक कर लूँगा डिज़ाइन ईमेल। अब ये ईमेल वो मैं वो डिज़ाइन कर रहा हूँ जो उन लोगों के पास, मेरी ऑडियंस के पास, उनके इनबॉक्स में जाए तो वो किस तरह से नज़र आए।
वो मैं पूरी ईमेल डिज़ाइन करूँगा, उसके अंदर क्या लिखना है, कौन सा है, पोस्टर लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करूँगा और पूरी ईमेल डिज़ाइन करूँगा और उसके बाद देखूँगा कि किस तरह से इनको सेंड करना है। तो यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन दे रहा है कि आप टाइटल दें, एडिट नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज 50% ऑफ, ये मैं कैंपेन का नाम दे देता हूँ, लेट्स से एक रैंडम सा कि मैं ये वाली के लिए ये ईमेल डिज़ाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें टू, तो यहाँ पे मैं एडिट वो कर सकता हूँ कि कौन सी ऑडियंस को जाना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि इस ऑडियंस के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी ईमेल्स हैं, उनको ऑटोमेटिकली ये वाली ईमेल जानी चाहिए, तो मैंने वो सेटअप कर लिया। फॉर्म कौन सा है वो भी यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट, ईमेल का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं ईमेल का सब्जेक्ट भी लिख देता हूँ कि जब उनको ईमेल जाए तो उनके पास ईमेल का सब्जेक्ट किस तरह से शो हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरी अप वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज 50% ऑफ, तो इस तरह से मैं कुछ भी लिख देता हूँ। और यहाँ पे प्रीव्यू टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ भी, गेट टुडे, तो इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये वाली चीज़ें मैंने सेटअप कर ली सारी। अब यहाँ पे फाइनली ईमेल डिज़ाइन करनी है मुझे, ईमेल के अंदर क्या कंटेंट होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डिज़ाइन ईमेल, और यहाँ पे मुझे ये डिफरेंट टेम्पलेट्स शो करवा देगा। उन टेम्पलेट्स के अंदर कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो पेड होंगी और कुछ टेम्पलेट्स जो हैं आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चूज़ कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने कॉन्टेंट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं या उसका कॉन्टेंट डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मुझे यहाँ पे शो हो गई। अब यहाँ पे जिन पे अप्लाई लिखा हुआ है वो फ्री टेम्पलेट्स हैं, और नीचे अगर आएंगे यहाँ पे जिन पे अपग्रेड टू यूज़ लिखा हुआ है ये पेड टेम्पलेट्स हैं, आपको इनको यूज़ करने के लिए अपना अकाउंट अपग्रेड करना पड़ेगा, कोई और प्लान चूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई यूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से ओके मैं ये वाला टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, गॉट इट। यहाँ पे देखें मुझे ये वाली चीज़ नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। इस वाली की जगह मुझे अपना लोगो चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेट लोगो पे क्लिक करूँगा और अपना लोगो यहाँ पे क्या कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे इमेज है, मुझे यहाँ पे कोई इमेज लगानी है तो अभी के लिए मैं कोई भी रैंडम इमेज यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपलोड इमेज, और यहाँ पे लेट्स से मैं कोई भी रैंडम इमेज लगा रहा हूँ राइट नाउ, आप कोई भी लगा सकते हैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने ईमेल का जो टेक्स्ट है वो ऐड कर सकता हूँ, इट्स टाइम टू गेट योर प्रोफेशनल वेबसाइट, ओके। और इस टेक्स्ट को आप अपने मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जस्ट डमी टेक्स्ट ऐड कर दूँगा, वट एवर। तो यहाँ पे ये अपलोड क्यों नहीं हुआ, ओके ये अपलोड हो चुका है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा था इंटरनेट की वजह से। और यहाँ पे देखें ये बटन पे मुझे लिखना है कि मुझे कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे इसको रिडायरेक्ट करवा देता हूँ या अपनी वेबसाइट की सर्विसेज ऑप्शन को। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी लिंक कर दूँगा और यहाँ पे मैं वो ऐड कर दूँगा। और यहाँ पे बटन का जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा, लेट्स से कहाँ से होगा ये बटन का चेंज टेक्स्ट का ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास वेब एड्रेस है, इसको मैं डन कर दूँगा और ऐड टेक्स्ट गेट ऑफर टुडे, ओके। यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट है, इसका कलर आप चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, वेल यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो मे बी यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होना चाहिए ऐड योर टेक्स्ट हेयर, तो आप क्या कर सकते हैं टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, डोंट नो व्हाई, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं अभी के लिए बस अपनी वेबसाइट का लिंक ही ऐड कर देता हूँ। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि नहीं इस तरह से ऐड नहीं कर सकते, तो मैं इनको डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखें
जो मेरा वो लोगो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटअप हो चुका है। बाकी ये वाले ऑप्शंस आप इनको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ। सेव एंड एग्जिट करने के बाद ये मेरा ईमेल जो है डिज़ाइन हो चुका है कम्प्लीटली। इस तरह से आप जो भी चाहें, जिस तरह के भी चाहें, ईमेल डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि टू सेंड योर ईमेल रिमूव द और रिप्लेस द प्लेस होल्डर ऑफ द टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि जो बटन था उसके ऊपर जो टेक्स्ट था वो आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है ईमेल सही तरीके से प्रॉपर डिज़ाइन होगा और फाइनल होगा। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एक नया बटन ऐड कर देता हूँ। और इस पे मुझे आई थिंक कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा अगेन, तो मैं इसको फॉर द सेक फॉर नाउ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो इसको मैं सेव एंड एग्जिट और मेरा जो इशू है वो रिजॉल्व हो चुका है। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें से भी आप कोई भी ऑप्शन उठा के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। कोई वीडियो ऐड करनी है, कोई कोड ऐड करना है, प्रोडक्ट्स ऐड करना है, कोई एप्लीकेशन ऐड करनी है, व्हाटएवर। ओके, यहाँ पे देखें हमारे इशू रिजॉल्व हो चुका है और हमारी ईमेल जो है वो कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुकी है। अब इसको फिनिश लेटर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप सेंड भी कर सकते हैं, या सेंड टेस्ट ईमेल कर सकते हैं। आप सेंड टेस्ट ईमेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ पे कोई भी ईमेल देंगे तो ये बताएगा कि आपका ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप कोई भी ईमेल दे के चेक कर सकते हैं कि आपका ये वाला ईमेल जाएगा या नहीं जाएगा आपके ऑडियंस तक। अगर आप डायरेक्टली सेंड करना चाह रहे हैं तो सिंपली सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें इस वाली ऑडियंस के अंदर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी ईमेल्स हैं, उनको सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। तो इसके अंदर जितने भी ईमेल्स होंगी 500, 700, 1000 आपके प्लान के अकॉर्डिंग, तो उनको यहाँ पे आप ईमेल क्या कर सकते हैं, विद वन क्लिक किसी भी तरह से ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब लिस्ट तो आपके पास है, लेट्स सपोज कल को आपको एक नई प्रमोशन ऑफर करनी है, तो आप नई कंपेन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर नई ईमेल डिज़ाइन करेंगे और उसका कंटेंट उस कंपेन के अकॉर्डिंग रखेंगे और उसको आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर उस ईमेल को सेंड कर सकते हैं अपने सब्सक्राइबर लिस्ट को, उस ऑफर को, उन सारी चीज़ों को। इसके साथ साथ ही आप ऑडियंस भी डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक फॉर्म आपने वेब डेवलपर्स के लिए बनाया, वेब डेवलपर्स की सारी ऑडियंस वहाँ पे है। अब आपको कोई भी वेब डेवलपर वाली या वेब डेवलपमेंट के रेलिवेंट कोई भी ऑफर प्रमोट करनी है तो आप उस लिस्ट को करेंगे। इसी तरह से वीडियो क्रिएटर्स की आपके पास एक अलग लिस्ट है, आपने एक नया फॉर्म बनाया वीडियो क्रिएटर के नाम से, उसको वेबसाइट में लगाया कि वीडियो क्रिएटर्स वाला ये फॉर्म फिल करें, तो उनकी ईमेल्स इस वीडियो क्रिएटर वाले जो ऑडियंस है उसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से आप इनको अरेंज भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आप बवक्त ज़रूरत उनको उस तरह से सेंड कर पाएँ, राइट। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से आप ये सारे काम कर सकते हैं। आई होप मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाई हैं। फिर भी स्टिल कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन है मेलचिंप के अबाउट, तो आप क्या कर सकते हैं मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर उसके रेलिवेंट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो भी एक्चुअल में एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के बेस पे मैंने बनाई है, जिनका नाम यहाँ पे मैं नीचे मेंशन करूंगा। अगर आपका भी टॉपिक अच्छा हुआ और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो आपका नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ आप तक टाइमली मैनर्स के अंदर पहुंच सकें। इसके साथ साथ ही आप इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और किसी भी तरह का मैसेज मुझे वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, किसी भी तरह के कन्फ्यूजन के रेलिवेंट आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।